हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो, हम चर्चा कर रहे थे आपकी थ्योरी ज्योमेट्री के ऊपर, जिसके अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एक तो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन क्या होता है, और एक किसी पॉइंट से यदि किसी लाइन के ऊपर कोई प्रलंब यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, बनाया जाए, तो उसकी लेंथ क्या होगी या उसको वो कहाँ मिलेगा, ये बातें। तो आज बच्चों की बारी है आपकी एक्सरसाइज 14.4 जिसके अंदर हम पीछे से रिलेटेड जो हमने दो टॉपिक अभी पढ़े हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन और ए पॉइंट जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन से आपको बतानी हो, वो तो उनसे रिलेटेड आज क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपकी बुक का, कि दिखाना है कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यानी इंटरसेक्ट करती है, और उनका प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात कीजिए और इंटरसेक्शन पॉइंट भी बताना है। क्वेश्चन क्या रिपीट कर देता हूँ आपको बच्चों, ये दो लाइनें दी गई हैं। नंबर एक, सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि ये लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। नंबर दो, आपको ये प्रूव करना है, सॉरी ये प्रूव करना है कि काटती हैं। दूसरा ये पता करना है कि पॉइंट है कौन सा। तो देखो, फ्रॉम लाइन वन, इसको यदि मैं इक्वेशन नंबर वन मान लूँ और इसको मैं यदि इक्वेशन नंबर टू मान लूँ, ठीक है, तो प्रोसेस आपको बताई हुई है कि दोनों लाइनों से एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करो। इस लाइन से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस का 2 लैम्डा प्लस 1। y की वैल्यू क्या आएगी, 3 लैम्डा प्लस 2, और z की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, लाइन नंबर 2 से x की वैल्यू क्या आएगी, 5 न्यू प्लस 4, y की वैल्यू आएगी 2 म्यू प्लस 1, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्लियर हो गई इतनी बातें। फिर हमने क्या पढ़ा था, मेन का कंपेरिजन करना है, तो 2 लैम्डा प्लस 1 को आप 5 म्यू प्लस 4 के इक्वल लो, ये उधर जाएगा इधर आएगा, तो 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद आपको कंपेयर करना होगा 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 को, 2 म्यू उधर ले जाइए, 2 इधर ले तो आएगा माइनस 1, इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ से आएगी म्यू की वैल्यू डायरेक्ट 4 लैम्डा प्लस 3। ये इक्वेशन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, यानी इसकी वजह से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा आपका। आपको भी सर कैसे, तो म्यू की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है, कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ, फ्रॉम 3 म्यू की वैल्यू पुट करनी है ना, तो 2 लैम्डा तो बेटा फिर एज इट इज रहेगा, माइनस 5 म्यू, म्यू की वैल्यू है मेरे पास 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 20 लैम्डा माइनस 15 इक्वल टू 3, माइनस 18 लैम्डा इक्वल टू प्लस 18, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पर माइनस 1। यहाँ लैम्डा की वैल्यू अगर मैं माइनस 1 पुट करूँगा तो 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो म्यू की वैल्यू भी कितनी आएगी, माइनस 1। यहाँ रख के देखो कि इसे सेटिस्फाई करता है, तो इस इक्वेशन में यदि मैं पॉइंट रखूँगा 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये होगा माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ से बच्चों जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो क्लियर स्पष्ट हो गया नहीं हो गया, कि ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अब बात समझ आई या नहीं, प्रोसेस क्लियर हो गई होगी, माइंड में बैठ गई होगी, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपका काम सबसे पहले क्या रहेगा, आप यदि कार्टेशियन फॉर्मेट में हैं, आप एक्स वाई जेड की दोनों लाइनों से वैल्यू फाइंड आउट करो, एक मतलब मान पता कर लो, उसके बाद आप एक्स वालों को इक्वल लो, वाई को इक्वल लो, जेड को इक्वल लो, तो आपके पास बच्चों कितने समीकरण बन जाएगी, 3, इसकी लैम्डा और म्यू की, आपके पास लैम्डा और म्यू की बच्चों 3 समीकरण आ जाएगी, ठीक है। इन 3 समीकरणों में से आप कोई भी दो को उठाओ, कोई भी दो इक्वेशन को लो, उन्हें सोल्व करके आप लैम्डा और म्यू पता करो,
जैसे यहाँ पे फिफ्थ और थर्ड को लेकर मुझे ज़्यादा इजी लगा तो मैंने इन दोनों को ले लिया। आपको जिससे इजी लगे आप वो इक्वेशन उठाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोल्व करो तो लैम्डा म्यू के जो भी वैल्यू आती है उसको आप जो अलग इक्वेशन है वहाँ पे रख दो, जो अलग इक्वेशन है उसको वहाँ रख दो। ठीक है, रख दिया आपने। वहाँ रखने के बाद जब आप इसे सोल्व करोगे, यदि वो दोनों केस इक्वल बनते हैं, यदि वो दोनों केस क्या बनते हैं, इक्वल बनते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई, आप ये बोलोगे कि वो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। और यदि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं तो आपका जवाब होगा कि वो लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर हो गया जवाब? बस ये प्रोसेस बच्चों आपको याद रखनी है, रह जाएगी ना याद। और उसके बाद था कि उस पॉइंट को भी पता करना, आपको आपको उस पॉइंट को भी पता करना है कि जहाँ पे वो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहाँ पे वो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो पॉइंट क्या होगा, जहाँ पे वो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट क्या होगा। तो देखिए आप लैम्डा की वैल्यू माइनस वन कहीं भी पुट कर दो, जैसे एक्स इक्वल टू हमने क्या बनाया, टू लैम्डा प्लस वन। एक्स इक्वल टू हमने क्या बनाया, टू लैम्डा प्लस वन, तो टू इंटू माइनस वन, प्लस वन क्या होगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन। वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है थ्री लैम्डा प्लस टू, थ्री लैम्डा प्लस टू, थ्री इंटू माइनस वन प्लस टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस थ्री प्लस टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन। और z इक्वल टू फोर लैम्डा प्लस थ्री, तो माइनस फोर प्लस थ्री, ये भी माइनस वन। यानी यहाँ से जो बच्चों पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है माइनस वन माइनस वन माइनस वन। यहाँ पे रखो माइनस वन माइनस वन माइनस वन, यानी दोनों केस में माइनस वन माइनस वन माइनस वन पॉइंट पर ये लाइनें आपकी बच्चों इंटरसेक्ट करेगी। अब बताइए बात समझ आई या नहीं, प्रोसेस क्लियर हो गई होगी, क्लियर हुआ प्रोसेस, समझ आ गई ना सारी। चलो एक आपका एग्जाम क्वेश्चन नंबर टू और करते हैं जिससे आपकी प्रोसेस और बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर टू में आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो अभी बच्चों हमने सोल्व किया था, ये कौन सा फॉर्मेट था, ये कौन सा फॉर्मेट है, कार्टेशियन फॉर्म थी। अब जो क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर टू, वो बेटा वेक्टर फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, वो आपका वेक्टर फॉर्म में है। तो क्वेश्चन नंबर टू प्रूव करते हैं, देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर टू में इक्वेशन दिए, मैं बताना है कि वो इंटरसेक्ट करते हैं नहीं, बस इतना। तो पहली है r इक्वल टू आई माइनस जे, पहली इक्वेशन क्या है, r इक्वल टू आई माइनस जे प्लस लैम्डा, यदि आपको 2i प्लस के, 2i प्लस के, तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, i केप j केप और k केप के जो कोफिशियंट है उनको अलग अलग कर लो। तो आई केप के साथ देखो यहां पर है वन, यहां पर है टू और लेमडा, तो वन प्लस से टू लेमडा। प्लस जे केप के साथ देखिए यहां क्या है, माइनस वन, यहां पर जे केप नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन इजी हो रहेगा हमारे लिए। के केप, यहां पर के केप नहीं है, तो सीधा के का कोफिशियंट हो गया लेमडा। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। दूसरी जो लाइन है r वेक्टर इक्वल टू, स्टूडेंट हमें क्या दिया गया है, उसमें दिया हमें 2i माइनस जे, उसमें दिया है 2i माइनस जे प्लस म्यू, ये दिया है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो i कैप के साथ क्या आएगा 2 प्लस म्यू, j कैप के साथ क्या आएगा माइनस 1 प्लस म्यू, के कैप के साथ क्या आएगा डायरेक्टली माइनस म्यू। क्लियर, क्यों आई दोनों में जे दोनों में, के सिर्फ इसमें, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। अब बच्चों आप कंपेयर रीजन कर लो, इनको कंपेयर करोगे तो देखिए आई कैप का जो कोफिशियंट है वो वन प्लस टू लैम्डा इक्वल टू टू प्लस म्यू, इक्वेशन नंबर थ्री ले लो एक बार। फिर क्या है माइनस वन इक्वल टू माइनस वन प्लस म्यू, दिस इज फोर। और नेक्स्ट है लैम्डा इंटू इक्वल टू माइनस म्यू, इक्वेशन नंबर फाइव। तो यहाँ से देखो फोर को सोल्व करें, माइनस वन से वन कैंसिल हुआ, म्यू की वैल्यू जीरो,
यहाँ से म्यू जीरो होते लेमडा भी जीरो, दोनों जीरो आई। यहाँ पे रखो तो जीरो ये जीरो, तो इस इक्वेशन में रखने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है वन इक्वल टू। क्या रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट? वो आ रहा है वन इक्वल टू। अब आप बताइए क्या वन इक्वल टू पॉसिबल है? आप बताइए क्या वन इक्वल टू पॉसिबल है? तो जवाब क्या होना चाहिए? सर वन इक्वल टू टू पॉसिबल है नहीं है। और यदि वन इक्वल टू पॉसिबल नहीं है, इसका अर्थ ये हो जाएगा, इससे रिजल्ट ये बन जाएगा कि जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो बताइए बच्चों पूरी प्रोसेस समझ आई या नहीं आई? कोई दिक्कत है? जवाब दीजिए। अरे बच्चों पूरी प्रोसेस समझ आई या नहीं आई कि जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी? क्योंकि यदि करती तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और जबकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्लियर होगी बात? बस समझ आ रही होगी सारी? अब तो कोई डाउट नहीं है। तो चलो देखो आज मैं इस टॉपिक को, प्लीज लास्ट क्वेश्चन है ये इंटरसेक्शन ऑफ लाइन का, आगे का कोई क्वेश्चन होगा तो वो आपके लिए होगा, क्योंकि आपको मैंने इससे रिलेटेड सारी प्रोसेस बता दी। बच्चों लाइन की इक्वेशन दो ही तरीकों से दी हुई आती है, या कार्टेशियन या वेक्टर, और दोनों को मैं आज भी डिस्कस कर चुका हूँ और प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करवाए हैं। ठीक है, सारी प्रोसेस आपके लिए रहेगी। हाँ, और जो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, जिसे 14.4 हम आज फिनिश करेंगे, वो है कि 0.234 क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जो आपके लिए दिया गया है कि आपके पास एक पॉइंट है 0.234, ठीक है, ये दिया है। इससे एक लाइन आपके पास 4 - x / 2, एक लाइन है 4 - x / 2 इक्वल y/6 इक्वल 1 - z/3 इक्वल टू लैम्डा ले लूं। इस लाइन से यदि मैं इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, जैसे ये पॉइंट है 2, 3, 4 और इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट को P मान लिया, L लाइन, ए बी लाइन नाम दे दूँ इसको मैं, ए बी लाइन के ऊपर यदि मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ Q, तो सबसे पहले मुझे ये बताना है कि इसको कहाँ मिल रहा है, नंबर एक, यानी Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और उसके बाद ये बताना है, साथ ही इसकी डिस्टेंस भी बतानी है, यानी PQ की लेंथ क्या होगी। तो यदि बच्चों आपको Q के कोऑर्डिनेट पता चल जाए, यानी Q के निर्देशांक पता चल जाए, तो PQ की दूरी तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब बात है भी, ये अब बात क्या है कि Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यू के लिए ये इसको सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा, तो करेगा। तो पहले इस इक्वेशन को मैं सही रूप फॉर्म में लिखता हूँ, तो इससे वो ऐसे लिखेंगे x - 4/-2 y/6 इक्वल टू z - 1/-3। अब थोड़ा सही हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 λ + 4, y की वैल्यू बच्चों 6 λ, और z की वैल्यू आएगी -3 λ + 1। यानी एक तरीके से बच्चों जो आपके Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे -2 λ + 4, 6 λ - 3 λ + 1। क्लियर होगी बात? और P के कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 3, 4। तो जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ होंगे वो क्या होंगे? x2 - x1, यानी -2 λ + 4 - 2, 6 λ - 3 और -3 λ + 1 - 4। तो ये बच्चों आपका बन जाएगा -2 λ + 2, 6 λ - 3, -3 λ - 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गए आपके डी आर ऑफ पी क्यू। और जो डी आर ऑफ ए बी क्या दिए आपको, वो दिए गए हैं -2, 6, -3। जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी है वो क्या दिए गए हैं? -2, 6, -3। अब आपको डायग्राम से एक बात तो पता चल गई होगी कि ए बी जो है वो पी क्यू के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ए बी जो है वो पी क्यू के ऊपर क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है। लंबवत होने की वजह से इनके जो डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट होगा, सो मल्टीप्लाई करके सम होगा, वो क्या होगा? 0। तो -2 × -2λ + 2, 6 ×
सिक्स लैम्डा माइनस थ्री एंड माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री लैम्डा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा फोर लैम्डा माइनस फोर प्लस थर्टी सिक्स लैम्डा माइनस एटीन प्लस नाइन लैम्डा प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। थर्टी सिक्स प्लस फोर फोर्टी प्लस नाइन फोर्टी नाइन लैम्डा बाईस माइनस माइनस थर्टीन इक्वल टू जीरो। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों थर्टीन अपॉन फोर्टी नाइन, जो तो फिर क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस टू इंटू इधर सॉल्व करिए बता रहा हूँ, माइनस टू इंटू थर्टीन अपॉन फोर्टी नाइन प्लस फोर माइनस ट्वेंटी सिक्स, ये मल्टीप्लाई में गया वन नाइन्टी सिक्स अपॉन फोर्टी नाइन, ये जाएगा वन सेवन जीरो, तो क्यों आ जाएगा वन सेवन जीरो अपॉन फोर्टी नाइन। फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं, सिक्स इंटू ठीक, तो जी सिक्स इंटू तो हो जाएगा सेवेंटी एट अपॉन फोर्टी नाइन माइनस थ्री लैम्डा यानी माइनस थर्टी नाइन अपॉन फोर्टी नाइन प्लस वन, तो ये हो जाएगा 49 10 अपॉन 49। तो ये आ गया बच्चों आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पे P से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो इस लाइन को जहाँ मिलेगा तो वो पॉइंट आ जाएगा 170 अपॉन 49 78 अपॉन 49 और 10 अपॉन 49। अब डिस्टेंस बिटवीन PQ फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर, यानी x2 माइनस माइनस प्लस होल स्केयर, वाई टू माइनस वाई वन सेवेंटी एट अपॉन फोर्टी नाइन माइनस सिक्स का होल स्केयर, टेन अपॉन फोर्टी नाइन प्लस थ्री का होल स्केयर। इसे आप सोल्व करो तो बच्चों ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो बताइए बच्चों बात समझ आई या नहीं, रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको जब कोई भी पॉइंट से किसी लेंथ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो क्या करोगे, सबसे पहले लैम्डा के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करो, यानी दी गई इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लेकर एक्स वाई जेड पता कर लो, ठीक है। एक्स वाई जेड पता करते ही वो पॉइंट मान लो क्यू, ए आपको गिवन है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू का फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन होता है, आप जानते हो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो आगे। जब ए बी की इक्वेशन दी गई है लाइन की तो उसके भी डायरेक्शन रेशियो गिवन है। अब आपको दिया कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है, तो आप जानते हो जब दो लाइनें परपेंडिकुलर यानी लंबवत हो तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल क्या होता है, जीरो। तो उस प्रोसेस को लेकर सॉल्व किया तो वहां से लैम्डा की वैल्यू जितनी भी है कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू क्यू के अंदर को तो आपके पास क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यानी वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को मिल रही है इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद आपका काम क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है, क्लियर हो गई बच्चों इतनी बात। तो 14 पॉइंट जो 4 है वो क्लियर हुआ, तो बाकी जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में 14.5 और इससे रिलेटेड, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।